5 अगस्त एएनआई पाकिस्तान की एक अदालत ने राष्ट्रीय अपराध एजेंसी एनसीए 190 मिलियन पाउंड घोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुसरा बीबी की अंतिम जमानत बढ़ा दी है। एआरवाई न्यूज़ के शनिवार को सूचना दी कि जवाबदेही अदालत नंबर 1 इस्लामाबाद के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर ने मामले की सुनवाई की और अंतरिम जमानत 10 अगस्त तक बढ़ा दी, क्योंकि आज तुष्खाना मामले में की खान में गिरफ्तारी के कारण मामले में अंतरिम दलीलें नहीं दी गई। पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ प्रमुख इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो एएनबी के उप अभियोजक जनरल सरदार मुजफ्फर अदालत में पेश हुए। वहीं यह घोटाला अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के नाम पर कथित तौर पर सैकड़ों कैनाल जमीन हासिल करने से जुड़ा है, जिससे कथित तौर पर राष्ट्रीय खजाने को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ। एआरवाई न्यूज के अनुसार आरोपों के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री और अन्य आरोपी ने ब्रिटेन के एनसीए द्वारा सरकार को भेजे गए 50 अरब रुपये उस समय 190 मिलियन पाउंड को कथित तौर पर समायोजित किया था। वहीं इससे पहले जमानत 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी। इस बीच एक अलग मामले में इमरान खान को उनके जमान पार्क निवास से तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जब एक अदालत ने उन्हें तो उस खाना मामले में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया और उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई। शनिवार को जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार बता दें आपको कि अदालत ने पीटीआई प्रमुख पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। डॉन ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीएसजे हुमायूं दिलवार की अध्यक्षता में आज सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। इमरान खान ने जानबूझकर तोशखाना का नकली विवरण प्रस्तुत किया है। वहीं आपको बता दें कि इस पर ईसीपी का उपहार जो है और भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया। उन्होंने कहा और चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत पीटीआई प्रमुख को 3 साल के लिए जेल भेज दिया। यह घटनाक्रम तब सामने आया जब इस्लामाबाद उच्च न्यायालय आईएचसी ने शुक्रवार को पीटीआई अध्यक्ष के खिलाफ तोशखाना संदर्भ पर सत्र अदालत के फैसले को कायम रखने योग्य बताते हुए खारिज कर दिया और निचली अदालत को मामले की दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NBC 24।